नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं पटना में और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है नी स्वेलिंग, यानी कि घुटने का सूजन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नी स्वेलिंग्स के क्या कारण कॉमन हम लोग को मिलते हैं, ये किस तरीके से डायग्नोस किए जाते हैं और इनका क्या इलाज होता है। आज के वीडियो में हम लोग एडल्ट्स में जो नी स्वेलिंग होती है उसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा घुटना दो हड्डियों से मेन बनता है, एक ये ऊपर में जो फीमर की हड्डी होती है उससे और एक नीचे में टीबिया की हड्डी। ये दोनों जोड़ का जो सतह होता है ये सफेद रंग के कार्टिलेज से कवर्ड होता है। ये सॉफ्ट और एक मुलायम कवरिंग होता है जो हमारे घुटने के मूवमेंट को स्मूथ और पेनलेस बना के रखता है। इस कार्टिलेज के अलावा हमारे घुटने में लिगामेंट्स होते हैं जैसे कि ACL, PCL, LCL और MCL। ये लिगामेंट्स हमारे दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं और हमें सभी तरह के एक्टिविटी करने के लिए हेल्प करते हैं। इन लिगामेंट्स और कार्टिलेज के अलावा अंदर में दो मेनिस्कस होते हैं। ये जो मेनिस्कस होते हैं ये एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर या गद्दे की तरह काम करते हैं कि हमारे चलने फिरने कूदने के कारण जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है घुटने पे वो पूरी तरीके से हड्डी पर नहीं जाए और वो कुछ सॉफ्ट टिश्यू के सहारे डिसिसिपेट हो जाए। ये सभी चीजें मिलाकर हमारा घुटना का जोड़ बनाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स यानी कि हड्डियों के जो सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं, उनके ऊपर लगा कार्टिलेज, ये लिगामेंट्स, ये मेनिस्कस, ये सभी कुछ एक कैप्सूल से कवर्ड होता है। कैप्सूल एक तरह का कवरिंग होता है हमारे जोड़ों के ऊपर, एक खोल की तरह जो सारी हड्डियों और सारे टिश्यूज को कंट्रोल अपने अंदर कवर करके रखता है। ये जो कैप्सूल होता है या जो खोल होता है उसके अंदर साइनोवियम का एक लेयर होता है जो साइनोवियल सेल से बनता है। और ये जो साइनोवियल सेल्स होते हैं ये एक तरीके का लिक्विड बनाते हैं, एक जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। ये लिक्विड जो होता है एक तरह का लुब्रिकेंट का काम करता है हमारे घुटने में। ये नॉर्मल एक घुटने में करीब 3 से 4 ml होता है और ये सारे जो मूवमेंट्स जो हमारे होते हैं उसको एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है कि वो इजीली बिना रब किए आपस में काम कर सके। एक तरह का ग्रीस होता है। तो हम लोग जो पहला कारण जो आज डिस्कस करेंगे घुटने में स्वेलिंग का एडल्ट्स में खास करके, तो वो है अर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं लेकिन हमारे प्रैक्टिस में कॉमनली 2 ही 3 प्रकार के अर्थराइटिस कॉमन मिलते हैं जो घुटने को इन्वॉल्व करते हैं। एक जो पहला अर्थराइटिस होता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि उम्र के कारण होने वाला गठिया। ये आमतौर में लोगों में 50 साल के उम्र के ऊपर मिलता है, कभी कभार ये कम उम्र में भी मिलता है। कुछ और कारण इसके हो सकते हैं जैसे कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन का ज्यादा होना या कभी कभार ये फ्रैक्चर के बाद भी घुटने में मिल सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये एक तरह का डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि समय के साथ जो कार्टिलेज का क्वालिटी होता है वो पुअर हो जाता है, खराब होता है और वो धीरे धीरे चलने फिरने एक्टिविटी के कारण घिसने लगता है। घिसते घिसते ये कार्टिलेज जो होता है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और उसके बाद फिर पेन शुरू हो जाता है हमारे पेशेंट्स को। जो साइनोवियल सेल्स, जो साइनोवियल फ्लूइड यानी घुटने का जो ग्रीस बनाते हैं वो भी धीरे धीरे करके सूख जाता है और कार्टिलेज के हट जाने के कारण हड्डियां आपस में रगड़ाने लगती हैं और काफी पेनफुल मूवमेंट्स होने लगता है। चलना फिरना भी तकलीफदेह हो जाता है, इनफैक्ट घुटना मोड़ना और सीधा करना भी तकलीफदेह हो जाता है। तो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी स्वेलिंग कम होता है। जब ग्रीस कम हो रहा है तो स्वेलिंग क्यों हो रहा है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी एक फेज होता है जिसे हम लोग वेट ऑस्टियोआर्थराइटिस या वेट फेज बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जिसको ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसे कोई भी माइनर इंजरी हो जाए, चोट लग जाना, घुटना ट्विस्ट हो जाना, कोई गड्ढे में पैर पड़ जाए या फिर सीढ़ियों में उतरने चढ़ने में कोई कचक आ जाए, उसके कारण उसके रिएक्शन में इंजरी के ये जो साइनोवियल सेल्स होते हैं ये ज़्यादा साइनोवियल फ्लूड बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल क्वालिटी 3 से 4 ml या 5 ml का होता है साइनोवियल फ्लूड का, वो बढ़कर कई बार 10, 20 या 30 ml तक चला जाता है। इसके कारण घुटना चूंकि एक क्लोज्ड जॉइंट है, यानी कि जो कैप्सूल वो पूरी तरीके से टाइट से जोड़ को पकड़ के रखता है, तो कोई भी अगर अंदर में सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो वो जॉइंट को फुला देता है, उसे हम लोग जॉइंट इफ्यूजन बोलते हैं। कई बार आपने MRI कराया होगा किसी कारण से, उसमें लिखा रहता है कि ये सारी फाइंडिंग्स है जैसे ACL की इंजरी, मेनिस्कल, एक जॉइंट इफ्यूजन भी उसमें मेंशन होता है। ये जॉइंट इफ्यूजन यही है कि अंदर में फ्लूइड जमा हो चुका है। तो ये फ्लूइड ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेट फेज में आता है
और फिर उसको हम लोग कई बार कंजर्वेटिवली इनिशियली इलाज करके फिर वेट फेस को हम लोग वापस से कंट्रोल करते हैं और फिर उसका हम लोग इलाज करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए हमें एक्सरेज की जरूरत होती है। ये एक्सरेज घुटने के लिए जाते हैं और खास करके स्टैंडिंग पोजिशन में लिए जाते हैं, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तभी हमें एक्चुअली पता चलता है कि घुटनों की हड्डियों के बीच में कितना स्पेस बचा है, या वो एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर होता है कि कितना कार्टिलेज बचा है और कितना कार्टिलेज घिस चुका है। सेकेंड एक कॉमन कारण होता है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये थोड़ा अर्लियर एज ग्रुप की बीमारी है। ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है यूजली 30s 40s कई बार 50s एज में भी लोगों को मिलता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी एक घुटने के सूजन का कॉमन कारण है। इस अर्थराइटिस का जो एज ग्रुप है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से डिफरेंट तो होता ही है, पर साथ में इसके जो एसोसिएटेड और लक्षण होते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं वो भी काफी डिफरेंट होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का पॉलीअर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली शरीर के वैसे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं जिन पे शरीर का वजन पड़ता है, खास करके घुटने जैसे हो गए, तो यूजुअली ये एक घुटने या दो दोनों घुटने में शुरू होता है। कभी कभार ऑस्टियोआर्थराइटिस में हिप्स यानी कि कुल्हे या फिर एंकल यानी कि एड़ियां भी इन्वॉल्व होती हैं, परंतु रूमेटॉइड अर्थराइटिस चूंकि एक पॉलीअर्थराइटिस है तो ये स्टार्ट ही होता है स्मॉलर जॉइंट्स के साथ। स्मॉलर जॉइंट्स यानी कि वैसे जोड़ जो छोटी छोटी हड्डियों से बने हैं, खासकर उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं जिनको मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट्स या पीआईपी या प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स बोला जाता है, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स, उसी तरह पैर में जो पैर की उंगलियों जो टोस के जो जॉइंट्स होते हैं, इन सारे जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रूमेटॉइड में पहले होता है। और जो बड़े जॉइंट्स होते हैं यानी कि हिप जॉइंट या नी जॉइंट्स, ये सबका बाद में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रेजेंटेशन होता है स्मॉलर जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ, स्वेलिंग के साथ, पेन के साथ, और एक उसका खास करके एक उसका सिम्टम होता है जिसे हम लोग मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। यानी जब पेशेंट सुबह में उठते हैं उन्हें अपने जोड़ों में अजीब टाइप की जकड़न महसूस होती है। ये जकड़न जो है ये कई बार जैसे उंगलियों का स्टिफनेस या फिर कंधे का स्टिफनेस, ये काफ़ी देर तक रहता है और कई बार कुछ घंटे तक रहता है। लोगों का अक्सर कहना होता है उसमें कि जब वो सुबह उठते हैं तो वो शरीर जकड़ा रहता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है और जैसे वैसे वो काम करते हैं तो धीरे धीरे करके आधे घंटे या एक घंटे होते होते में वापस जॉइंट थोड़ा मूव करना शुरू करता है। तो ये एक मॉर्निंग स्टिफनेस एक ऐसा सिम्टम है जो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डिफ्रेंशिएट करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। तीसरा एक कॉमन कारण घुटने में सूजन का है, सो है गाउट। गाउट यानी यूरिक एसिड के कारण होने वाला गठिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सभी लोगों के शरीर में यूरिक एसिड मिलता है, कई बार किसी तरह के फूड हैबिट्स के कारण ये यूरिक एसिड का जो मात्रा होता है हमारे ब्लड लेवल्स में बढ़ जाता है, और कई बार हमारा शरीर इसे कायदे से एक्सक्रीट नहीं कर या निकाल नहीं पाता है, जिसके कारण ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में जमा हो जाता है, जिसे हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। ये यूरिक एसिड कई बार जॉइंट्स में जाके प्रेसिपिटेट करता है, क्रिस्टलाइज करता है, और फिर जॉइंट में एक पेन का रिएक्शन कॉज करता है। इस रिएक्शन के कारण घुटने में दर्द, सूजन, रेडनेस, इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। हालांकि यूरिक एसिड का जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है वो मोर कॉमनली पैरों में होता है, यानी जैसे कि पैर के अंगूठे, एड़ियां, कई बार रिस्ट, इसमें मिलता है, और ये नी जॉइंट को भी इन्वॉल्व करता है। ये रिस्ट जो गाउट का जो यूरिक एसिड का जो नी इन्वॉल्वमेंट होता है ये यूजली मोनो आर्टिकुलर होता है, यानी कि एक घुटने में तकलीफ होती है। ये शॉर्ट हिस्ट्री देता है, यानी कि अभी परसों तक सब कुछ ठीक था और कल से तकलीफ शुरू हो गई, और ये बहुत ही सीवियर होता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक स्लो डिजीज है, परंतु गाउट एक एक्यूट फॉर्म का डिजीज है जो कि बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा सिम्टम्स देता है। इसमें हम लोग यूरिक एसिड का टेस्टिंग कराते हैं, और अगर यूरिक एसिड की मात्रा अगर शरीर में बढ़ी पाई गई या सीआरपी बढ़ा मिला तो उसके हिसाब से हम लोग उसका दवाइयों से इलाज करते हैं। तो ये हो गए कुछ अर्थराइटिस जो हमारे घुटने को स्वेलिंग दे सकते हैं और सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंजुरी। नेक्स्ट हमारे घुटनों में सूजन का कारण है इंजुरी। इंजुरी घुटने में होने वाले सभी स्ट्रक्चर्स जो उसमें स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि कार्टिलेज, लिगामेंट्स, मेनिस्कस, कैप्सूल या बोन, कहीं पर भी होगा तो उसके रिएक्शन में घुटने में स्वेलिंग मिल सकता है। जब हमारे इसमें से एक कॉमन कारण होता है फ्रैक्चर्स। घुटने में अगर किसी को चोट लगी है और उसके बाद इमीडिएटली अगर स्वेलिंग हो गई है और अगर वो चल नहीं पा रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है उसको कहीं ना कहीं कोई फ्रैक्चर हुआ हो घुटने में। कई बार जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स होते हैं यानी कि जो फ्रैक्चर थ्रू एंड थ्रू द बोन नहीं है, कुछ पार्ट क्रैक कर गया है, तो उसमें पेशेंट बावजूद कि उनकी हड्डियां क्रैक की हुई है वो चल पाते हैं, लेकिन तकलीफ के साथ चल पाते हैं। तो इसलिए लेकिन जब हम लोग एक्सरे कराते हैं तो वो उसमें फ्रैक्चर्स दिखता है, और फ्रैक्चर होने के कारण घुटने के अंदर ब्लीडिंग होती है और घुटना सूज जाता है।
अगर एक्सरेज में ये फ्रैक्चर नहीं दिख रहा है तो हम लोग उसके लिए सीटी स्कैन कराते हैं और ये फ्रैक्चर कई बार सीटी स्कैन में मिल ही जाता है। और जो भी जिस तरह का फ्रैक्चर हो रहा है, पटेला का है या फीमर का है या टीबिया का है, हम लोग उसके हिसाब से उसका एप्रोप्रिएट इलाज करते हैं, चाहे वो कास्ट यानी प्लास्टर के द्वारा हो या फिर वो सर्जरी के द्वारा हो। अगला जो इंजुरी हो सकता है हमारे घुटने में, जो कि यंग लोगों में खास करके कॉमनली मिलता है, खास करके स्पोर्ट्स पर्सन लोगों में, वो है लिगामेंट की इंजुरी। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे घुटने के अंदर एक कॉमन लिगामेंट जो इंजर होता है जो है ACL। ACL लिगामेंट हमारे फीमर को टीबिया से जोड़ता है। ये फीमर में पिछली साइड से निकलता है और टीबिया में अगली साइड में आके जुड़ता है। इसका मेन काम होता है टीबिया को आगे जाने से रोकना। तो कई बार लोगों को, यंग लोगों को खास करके, खेलने के दौरान पैर ट्विस्ट हो जाता है या पैर कहीं अटक जाता है और शरीर घूम जाता है, जिसके कारण ये लिगामेंट टूट जाता है और इस इंजुरी के कारण पैर में अचानक से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। अब चूंकि हमारा जो कैप्सूल है घुटने का वो एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है, तो ये घुटने को अचानक से बहुत कम समय में खुला देता है और टेंस हिमाटोमा बनाता है, यानी कि बहुत टाइट घुटना हो जाएगा। पेशेंट्स चल नहीं पाते हैं और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, घुटना मोड़ना भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह होता है। तो इस कंडीशन में अगर एक्सरेज में हमें कोई इंजुरी नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग इनिशियली उनको एक कंजर्वेटिव इलाज करते हैं, यानी कि कुछ दर्द की दवाइयाँ, आइस कंप्रेशंस और थोड़ा सा रेस्ट। और जब उनके सिम्टम्स में कुछ सुधार होता है तो फिर हम लोग एग्जामिन करते हैं उन लिगामेंट्स को जिनके टूटने का हमें डाउट है। ACL लिगामेंट, PCL लिगामेंट, उसी तरह से मीडियल कोलैटरल यानी MCL लिगामेंट या LCL लिगामेंट, ये सारे लिगामेंट्स टूट सकते हैं। और अगर हमें क्लिनिकली शक होता है कि कोई लिगामेंट टूटा हुआ है तो फिर उसके लिए हम लोग MRI जांच करा के उस लिगामेंट को कंफर्म करते हैं, इंटीग्रिटी को। और अगर इंटैक्ट नहीं है, यानी कि अगर वो ब्रोकन है, तो फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट इलाज करते हैं। इलाज जो होता है ये आर्थ्रोस्कोपिक विधि से की जाती है, इसके लिए सर्जरीज की जाती हैं। और जिसके बाद जो पेशेंट्स होते हैं, लिगामेंट एक बार जब रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो फिर अपने पेशेंट एक नॉर्मल लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकते हैं। कई बार इन लिगामेंट्स के अलावा जो हमारे घुटने की गद्दियां होती हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जिन्हें मेनिस्कस कहा जाता है, वो भी फट जाते हैं, मेनिस्कल टियर जिन्हें कहा जाता है। ये जो मेनिस्कस होते हैं ये हमारे घुटने में दो होते हैं, एक बाहर की ओर जिसे लैटरल मेनिस्कस कहा जाता है और एक अंदर की ओर जिसे मीडियल मेनिस्कस कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू रंग का जो पार्ट है मेनिस्कस का, इसका कुछ हिस्सा फटा हुआ है ये पीछे में। तो ये जो फटा हुआ हिस्सा रहता है ये बार बार हमारे दोनों हड्डियों के बीच में आता है और घुटने को लॉक करता है और पेन क्रिएट करता है। पेशेंट्स को जो सिम्टम्स होता है मेनिस्कल टियर का, वो सिर्फ पेन ही नहीं रहता है, घुटना कई बार अटक जाता है उनका। अगर वो पूरा सीधा करना चाहे तो सीधा नहीं हो पाता है, या मोड़ना चाहे तो मुड़ नहीं पाता है घुटना, और कई बार थोड़ा मैनिपुलेट करने से ये मूवमेंट वापस पॉसिबल भी हो जाता है। तो ये सारा कुछ जो सिम्टम्स है, ये एक हम लोगों को हिंट देता है कि प्रोबेबली मेनिस्कस इंजुरी है। और अगर कोई लिगामेंट और फ्रैक्चर अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग को मेनिस्कस के लिए MRI जांच कराना पड़ता है। अगर मेनिस्कस टियर अगर हम लोग इनिशियली उसको इंजुरी के तुरंत ही के बाद अगर उसको हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, और रिपेयर के बाद ये सारे सिम्टम्स वापस उसके ठीक हो सकते हैं। इस मेनिस्कस के अलावा घुटने के अंदर में कई बार कार्टिलेज में डैमेज, जिसे हम लोग ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट्स कहते हैं, या कोई कार्टिलेज का हिस्सा फ्रैक्चर होकर लूज भी हो जाता है, जो भी घुटने को इरिटेट करके एक इफ्यूजन या सूजन क्रिएट करता है। इन सब के अलावा कुछ अनकॉमन कारण भी हो सकते हैं एडल्ट्स में घुटने के सूजन, जिसमें से मैं तीन कारणों की चर्चा करना चाहूँगा। पहला कारण होता है सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस यानी कि घुटने के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। सेप्टिक अर्थराइटिस यूजली बच्चों में मिलता है, स्मॉलर किड्स, एडल्ट्स में ये अनकॉमन है। परंतु अगर आपके घुटने में सूजन के साथ रेडनेस हो गया है, ये एक्यूट हुआ है और घुटना का मूवमेंट पेनफुल हो गया है, और उसके साथ एक एसोसिएटेड सिम्टम फीवर, अगर आपको हाई राइजिंग फीवर आ रहा है इन सब के साथ, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि घुटने के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। नॉर्मल हेल्दी लोगों में घुटने का इन्फेक्शन मिलना थोड़ा रेयर है, ये ज़्यादातर आपको डायबिटिक लोगों में मिलने की संभावना, या किसी भी कारण से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उन लोगों में मिलने की संभावना होती है। इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है और इसको कंफर्म हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, MRI के माध्यम से, या फिर घुटने को एस्पिरेट करके, यानी उसमें से नीडल डालकर कुछ सैंपल निकालकर भी कर सकते हैं। अगर किसी के घुटने में अगर सेप्टिक अर्थराइटिस कन्फर्म हो रहा है तो उसको अर्जेंट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, और नहीं तो घुटना परमानेंट डैमेज होने का रिस्क रहता है। अगला एक और अनकॉमन कारण है, सो है रिएक्टिव अर्थराइटिस।
रिएक्टिव अर्थराइटिस यूजली बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन होता है, किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, यूटीआई हुआ, या कोई सा भी डेंगू फीवर हुआ, इन इन्फेक्शन के रिएक्शन में कई बार जॉइंट्स फूल जाता है, सूज जाता है और पेशेंट को पेन होने लगता है, प्लस मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कोई हिस्ट्री नहीं देते हैं, घुटने में कोई इंजरी हो या कुछ भी हुआ हो, पहले कभी हुआ हो, अभी कुछ हुआ हो, कुछ भी, जस्ट से घुटना हमारा अचानक से सूज गया है, इट इज पेनिंग नाउ। उन्हें अर्थराइटिस के सारे जांच नेगेटिव मिलते हैं और वो बहुत कंफ्यूजिंग डायग्नोसिस हो जाता है, परंतु थोड़ा भी अगर हम लोग उसको इंक्वायर करते हैं तो देगी भी हिस्ट्री, हाँ मुझे अभी एक महीने पहले प्रॉब्लली डेंगू हुआ था या मैं किसी और कारण से बीमार पड़ा था, और अक्सर उसके कारण रिएक्शन में जॉइंट्स फूल जाते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स में कभी कभार ट्यूमर्स हो सकते हैं जिनके कारण जॉइंट स्वेलिंग मिलती है, तो यूजली जो बोनी ट्यूमर्स होते हैं वो तो हार्ड स्वेलिंग प्रोवाइड करते हैं और उसका डायग्नोसिस क्लिनिकली भी बड़ा क्लियर दिख जाता है कि ये हार्ड स्वेलिंग है और हड्डियों में पॉसिबिलिटी है कि कुछ गड़बड़ी है, और उसको हम लोग एक्सरे से या MRI से कंफर्म कर सकते हैं। एक साइनोवियल टिश्यू में भी ट्यूमर मिलता है जिसे पिगमेंटेड नोड्यूलर विलस साइनोवाइटिस बोला जाता है, ये भी एक साइनोवियल ट्यूमर होता है जो कि कई बार सॉफ्ट डिफ्यूजन कॉज करता है, परंतु MRI या अल्ट्रासाउंड में ये डायग्नोस हो पाता है। तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है ये ट्यूमर बेस्ड होता है, कई बार सर्जिकल होता है, कई बार मेडिकल होता है, कई बार सर्जिकल प्लस मेडिकल होता है। तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया अपने इस सीरीज में जॉइंट स्वेलिंग के बारे में। तो अगर आप जॉइंट स्वेलिंग से अभी सफ़र कर रहे हैं या आपके परिवार या किसी क्लोज पर्सन को जॉइंट स्वेलिंग हो रहा है, अगर ये स्वेलिंग बार बार हो रहा है तो मेरा सलाह रहेगा कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और तुरंत ही इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराएं। इन्वेस्टिगेशंस में आपको एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स, सीटी स्कैन्स या MRI स्कैन कराना पड़ सकता है, और उसके अलावा ब्लड टेस्ट में आपको यूरिक एसिड और अर्थराइटिस से रिलेटेड और अदर इन्वेस्टिगेशन भी कराने पड़ सकते हैं। अपने जॉइंट के स्वेलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, कई बार इग्नोर करने से ये जो आपका जॉइंट का डैमेज होता है ये इरिवर्सिबल और परमानेंट हो जाता है। अगर आप हम लोगों से इलाज कराना चाहते हैं अपने जॉइंट के स्वेलिंग का, अगर आप हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना सेफ रहें। नमस्कार।